ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा ने हम सभी को आकर स्मृति दिलाई है, बच्चे ये संसार का खेल पूरा हुआ, तुम्हें अब अपने घर वापिस जाना है। तो केवल ये स्मृति ही नहीं, लेकिन हमें अपने घर जाने की बहुत खुशी होनी चाहिए। हम घर जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे अपने राज में, देव स्वरूप में, जहाँ सब कुछ अथाह होगा, सुख शांति चैन विश्राम संतुष्टता भरपूरता सब कुछ संपन्न होगा। कमी और ये निगेटिव शब्द जहाँ होते ही नहीं, ये भारत भूमि भरपूर हो जाएगी, देव लोक बन जाएगा, सभी के चेहरों पर दिव्य तेज झलकता होगा, कंचन काया होगी, जहाँ विकारों का नाम निशान नहीं है, पवित्र निर्मल प्यार, एक अति सुखमयी दुनिया। तो हमें घर जाना है और वापिस देव बनकर आना है। अगर हम ये याद रखेंगे, अगर हमें इसकी स्मृति बहुत श्रेष्ठ विद फीलिंग्स होगी, तो कर्म भोग यानी शारीरिक बीमारियां भी हमें कष्ट नहीं देंगी। ऐसा लगेगा चूली से काटा हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी शारीरिक बीमारियां जैसे सहज जा रही हैं, क्योंकि ये आत्मिक बल हमारे देह के सभी रोगों पर सदा ही विजयी रहेगा। जिनका आत्मिक बल बहुत बढ़ा हुआ होगा, देह की पीड़ाएं उन्हें जैसे होंगी ही नहीं, महसूस ही नहीं होगी, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट क्यों न हो। तो हम ऐसा अभ्यास करेंगे अपनी दैहिक पीड़ाओं से या किसी भी भयानक रोग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देह में आए हैं ऐसा फील करें, भले ही आत्मा ही भोगती है, लेकिन अशरीरी होकर हमें ऐसा फील करना है मानो ये रोग मुझे है ही नहीं, ये देह अलग है, ये देह से रिलेटेड है, मैं तो इनसे मुक्त हूँ, मुझ पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए हम अपने मनोबल को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखें और स्वीकार कर लें, ये बीमारियां तो आती ही हैं, आई हैं सो चली जाएंगी। बीमारियों में भी हम अपने सुप्रीम सर्जन को न भूलें। बीमारियों का इलाज होगा इस गुड फीलिंग से कि बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है, और बस उसके आगे अपने को समर्पित कर दें कि बाबा ये मेरी बीमारी है और इसे तुम्हें हरना है। सुप्रीम सर्जन के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और इस खुशी में रहें, इसको एंजॉय करें कि मैं ऐसे सुप्रीम सर्जन के पास पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं, जिसके वश से कुछ भी बाहर नहीं है। जैसे दुनिया में कोई बड़े सर्जन या बड़े डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो बीमारियां सहज समाप्त हो जाती हैं, तो हमारा तो बाप ही स्वयं सुप्रीम सर्जन है। तो ऐसी फीलिंग में रहेंगे, ये सब बीमारियां गई की गई, अब ये विदाई लेने के लिए आ रही हैं। तीन युग क्या, 4,500 तक कोई बीमारी होगी ही नहीं, उसके बाद भी जीवन में कोई एक बार छोटी मोटी बीमारी आया करेगी। तो हम बहुत सुखी संसार में जा रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य को पाने वाले हैं। आज इस स्वमान में रहेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, और मैं आत्मा ये देह छोड़कर घर जा रही हूँ। जाने की गुड फीलिंग करेंगे, अपने को विजुअलाइज करेंगे, जाकर बैठ गए शांति धाम में, महसूस करेंगे शांति धाम की स्वीट साइलेंस को, महसूस करेंगे अपने घर में चैन और विश्राम को।
फिर वहां से मैं आत्मा नीचे आ गई, देवता बन गई, देव स्वरूप में हूँ, अपने को देव स्वरूप में देखेंगे, सजा सजाया रूप, ये है मेरा भविष्य स्वरूप, ये है मेरा अगला जन्म, इस फीलिंग में, इस नशे में रहेंगे, तो आने और जाने का अभ्यास करते हुए आज अपने को श्रेष्ठ भाग्य के धनी महसूस करते रहेंगे। ओम शांति।